हेलो, मैं डॉक्टर विनीता और आपका फिजियोथेरेपी जुनून चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गर्दन का दर्द, यानी कि सर्वाइकल पेन भी कहा जाता है इसको। और ये आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये कहाँ पर आपको महसूस होता है। ये मेनली जो वर्टिब्रा क्षेत्र रहता है, वहाँ पर आपको असुविधा या दर्द का अनुभव होता है। गर्दन का दर्द कई कारणों से हो सकता है। सबसे आम कारण गलत आसन या फिर गलत एक्सरसाइज। इसके अलावा गर्दन के दर्द के पीछे कुछ चिकित्सा कारण भी हो सकते हैं, जैसे वर्टिब्रे में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या फिर डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या फिर मांसपेशियों के कारण, या फिर एसोफेगस के कारण, या लैरिंग्स के कारण, या फिर आपकी श्वास नली, या फिर रक्त वाहिकाओं के कारण, या फिर जो आपका थायराइड ग्रंथि रहता है उसके कारण भी ये हो सकता है। मामूली गर्दन का जो दर्द रहता है आपका, उसका इलाज आप जैसे घरेलू उपचार से भी कर सकते हैं, जैसे मालिश है, बर्फ़ का पैक लगा लिया। जबकि जो गंभीर हैं कारण, उनके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गर्दन के दर्द में क्या-क्या लक्षण हैं, गर्दन का दर्द जो होता है उसके लक्षण क्या-क्या हैं। जैसे कुछ लोगों में सुन्नता का सुन्न हो जाएगा, झुनझुनी सी, कोमलता, तेज तीव्र दर्द, या फिर निगलने में कठिनाई, या फिर सिर में तेज आवाज या दर्द, चक्कर आना, या फिर लिम्फ नोड की सूजन होना, या फिर गठिया या कड़ी हुई गर्दन। और जो दबी हुई नसें होती हैं उनके कारण जो गंभीर दर्द होने लगता है, उसमें सर दर्द, चेहरे का दर्द, कंधे का दर्द, और जो आपका पूरी आपकी बांह होती है, बाजू होती है, उसमें सुन्नपन आने लग जाएगा, आपको झुंझुनी सी महसूस होगी। ये दर्द होने के ज़्यादातर जो कारण हैं, या फिर आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन इस्तेमाल से, गलत पोस्चर में सोने से, तकिया बहुत ज़्यादा ऊंचा लगाने से, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, इन सब कारणों से क्या है, आपको गर्दन में दर्द होने लगता है। अब हम आगे देखते हैं कि गर्दन में दर्द का निदान या फिर उसका उपचार कैसे हो सकता है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से चेक करवाइए, वो आपको एक्सरे या फिर एमआरआई के लिए बोलेंगे, ठीक है, वो आप ज़रूर करवाइए। और एक बार अपना ज़रूर चेकअप करवाएं जब भी आपको गर्दन में दर्द महसूस होने लगे। और इसके लिए कुछ घरेलू जो एक्सरसाइजेज हैं, जो कम दर्द वाले लोग हैं उनके लिए कुछ घरेलू एक्सरसाइजेज हैं जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। और वो एक्सरसाइज आप डेली कीजिए, हर 2 घंटे बाद कीजिए। जैसे आप घर में वर्किंग हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर से काम कर रहे हैं, या फिर जो हाउसवाइव्स हैं, या फिर टीचर्स हैं, जो भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो घर में हर 2 घंटे बाद इसको आप आसानी से दोहरा सकते हैं। इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं ताकि आप आसानी से कर पाएं। गर्दन को ऐसे नीचे लेके जाएं, फिर अपने अपने कंधे तक चिन को लगाएं, फिर आप दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएं और फिर गर्दन को दूसरी तरफ लेके जाएं और फिर कंधे को टच करने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 टाइम्स करनी है और रिपीटेशन भी वही 10 सेकेंड के लिए रहेगा। अपने शोल्डर पे रखें और फिर अपने एल्बो से एक छोटा सर्कल बनाना स्टार्ट करें, जो कि आपका घड़ी की डायरेक्शन में होना चाहिए, सीधा क्लॉकवाइज, और उसमें आप सर्कल बनाते जाएं और इस घेरे को आप अपनी कोहनी से बढ़ाते जाएं। इमेजिन करें कि आप गोल गोल घेरे बना रहे हैं और उसको ऐसे घुमाते जाएं। ये भी आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ही आपको 10 तक रिपीटेशन करना है।
साइंस में जैसे आपने क्लॉकवाइज सर्कल बनाए थे, अब आप एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे और सर्कल को बड़ा करते हुए ऐसे आप 10 बार एक्सरसाइज करेंगे एंड देन रिलैक्स। बिल्कुल सीधा रखें, फिर गर्दन को धीरे 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 आगे लेके आए और यहाँ पर आकर फिर से 10 तक काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन न्यूट्रल पोजीशन और फिर आप रिलैक्स। सीधा रखेंगे, फिर आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर रिलैक्स। दोनों हाथों को ऐसे बांध लें, फिर उसको पीछे की तरफ लेके जाएं और आपको इस तरीके से प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके दोनों हाथ आपके माथे के ऊपर ऐसे रखने हैं। गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आप अपनी गर्दन से हाथों को ऐसे प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलीज। साइज में आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। आप अपने कान के ऊपर ऐसे हाथ लगाएंगे और फिर गर्दन से और सर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और आप यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 10 तक काउंट करेंगे। आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, आपको हाथ से भी ज़्यादा प्रेस नहीं करना, आपको एक स्टेबल पोजीशन बना के रखनी है। सेम आप दूसरे हाथ से करेंगे गर्दन के लिए और मेंटेन करेंगे और वही 10 तक काउंटिंग करेंगे और उसके बाद आप न्यूट्रल पोजीशन में रिलैक्स हो जाएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचा पिलो ना लें, तकिया जो आप इस्तेमाल करते हो वो आप बहुत ज़्यादा ऊंचा ना लें या फिर फ़ोन को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें और हो सके अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फ़ोन की पोजीशन आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। आप कंप्यूटर वर्कर हैं तो मैंने कंप्यूटर के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें कि आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं। आपकी आइज़ के लेवल पर कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो होनी चाहिए और बीच बीच में जब भी आप काम कर रहे हैं हर 2 घंटे बाद आप ये एक्सरसाइजेस कीजिए। नोट कि जो कंप्यूटर काम कर रहे हैं, जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है ये एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस जो हमारी लेडीज़ हैं जो घर के काम करती हैं, जो रसोई में किचन में काम करती हैं या फिर जो वर्किंग है, ये उन सब के लिए भी है। तो और ये बुज़ुर्गों के लिए भी है जो अभी आराम से बैठे हैं लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें भी अपनी मसल्स के साथ को यूज़ में लाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो सेशन बहुत पसंद आएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और ऐसा अच्छा बनाऊं जिस जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए, किसी डिजीज़ को कवर कर पाए, तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।